बातों में समझाने, किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। एक नई सुबह में इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। बहुत अच्छी बात है मशवरा करना। एक तरह से हमें कहा भी गया है कि हमें ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो, बड़ा काम करना हो, छोटा करना हो, आसान करना हो, मुश्किल करना हो, बेहतर है कि मशवरा कर लिया जाए। हमारे जो मुहावरतन कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि दीवार से भी मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन उस मशवरे में कुछ बातें जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व की हैं, आप भी बहुत सारे लोगों से करते होंगे। इवन हम सूट लेने जाएँ ना, हमने कपड़ा लेना हो तब भी हम मशवरा करते हैं, कहाँ से लिया है, कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे सेल लगी हुई है, किसके प्रिंट अच्छे हैं, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा जो है उसका रंग नहीं उतरता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम एक ड्रेस का फैसला करते हैं। और ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ इसलिए नहीं किसी से मशवरा कर पाते, कोई बात ही ऐसी होती है कि हम किससे बताएं। अपने ऐसे राज होते हैं, अपनी ऐसी दिल की बातें होती हैं, अपनी ऐसी मुश्किलात होती हैं कि अगर आप किसी से बयान भी करना चाहें तो आप कर नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मुश्किल होती हैं, वहाँ पर आप सोचते हैं अकेले ही आप फैसला कर लें, और अकेले के किए हुए फैसले अक्सर फिर जो हैं वो गलत साबित होते हैं। सो ज़रूरी है कि मशवरा किया जाए, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि उन लोगों से मशवरा किया जाए। जब हम मशवरा करते हैं, हर एक शख्स से करते हैं, हम समझते हैं जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको पता है, जिसको अंदाज़ा है, लेकिन उन मशवरों में ज़्यादा वज़न उन लोगों का होना चाहिए, ज़्यादा अहमियत उन लोगों की होनी चाहिए जिनके ऊपर उस मशवरे का कुछ ना कुछ असर पड़ने वाला है, यानी जिन्होंने उस मशवरे के असरात के साथ या उसके जो भी नतायज होंगे उनको भुगतना भी है, उनके साथ लिव भी करना है। बच्चे, ये मैं ख़ास तौर पर माओं से ये सारी तमीज़ बांध के इसलिए आना चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमने कोई भी फैसला करना, हमने घर शिफ्ट करना है, हमने शहर शिफ्ट करना है, हमने कोई चीज़ लेनी है, हमने किसी से मिलना है, किसी से लड़ाई हो गई है, हमारी ज़िंदगियों में और हमारे मशवरों में बच्चे शामिल नहीं होते। हालाँकि सबसे ज़्यादा कोई भी अगर झेलता है हमारे फ़ैसलों को और हमारे की भी जो होते हैं, जो भी हम मनसूबा बनाते हैं, तो वो औलाद होती है, वो बच्चे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब हम ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने लगें जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो, जिसका ताल्लुक हाल से हो, जिसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगियों से हो, हमारे मामलात से हो, हम अपने बच्चों को उन मशवरों में शरीक बनाएं। और ये मेरी एडवाइस है तमाम मदर्स से, मैं भी यही सोचती थी, छोटे हैं अभी, अभी ये बहुत छोटे हैं, इनके साथ इस तरह की बातें शेयर करना जो है पता नहीं बेचारे क्या फ़ील करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बातें बहुत सख्त हैं, ऐसा ना हो कि वो इसके बारे में बुरा फील करें या स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं। लेकिन मैंने लेटर ये रियलाइज़ किया और अब आके रियलाइज़ किया कि नहीं, बात अच्छी है या बात बुरी है, बात सही है या बात गलत है, बात मुनासिब है या थोड़ी सी गैर मुनासिब है। अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसलों में जब हम अपने बच्चों को शामिल करना शुरू करते हैं, उन्हें पार्टी बनाना शुरू करते हैं, तो तब हमारे फ़ैसले इसलिए दुरुस्त होते हैं कि कल को इवेंचुअली जब एक औरत, एक माँ खड़ी होती है तो उसकी औलाद जब उसके साथ खड़ी होती है। वरना बाज़ औक़ात बच्चों को बेचारों को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। सो ये इस एडवाइस के साथ अपना आज का शो जो है वो मैं शुरू करना चाहूँगी। ये भी जो मैंने बात की, आपको मुख्तलिफ ड्रामों में शायद मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती हो, ये ड्रामे जो हैं ये हमारी ज़िंदगियों की हकीकतें होती हैं, वो सच्चाइयाँ होती हैं जिनको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है। हो सकता है मेरी आपकी कहानी हो और चल ड्रामा सीरियल में किसी और नाम से, किसी और किरदार से हो। सो ऐसे बहुत सारे किरदारों को खूबसूरती से निभाया है मेरी आज की मेहमान ने, खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, वेरी जिसे कहते हैं ग्लैमरस पर्सन वुमन, और उसके साथ साथ अ वंडरफुल एक्टर। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड सोनिया मिशाल। सोनिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? इतने आप, थैंक यू, आपने मेरे मुंह की बात जो है वो छीन ली। यस, यू आर लुकिंग सो कूल, इतना प्यारा ये खुसा, थैंक यू, और उसके साथ इतनी प्यारी ये वार्डरोब, थैंक यू, यार यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। आई बिलीव कि यू शुड वेयर व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल इन, खुसा, हील्स, व्हाटएवर। सो आज मेरा खुसे का मूड था, आज खुसे का मूड था। कितने एक वार्डरोब में खुसास है वैसे?
काफी है। आपकी हाइट अच्छी है तो आपके तो फ्लैट शूज के लंबी फ्लैट शूज की काफी है और हील्स की भी है एक्चुअली गिल्टी प्लेजर है हील्स। ओहो हो हो लेकिन कहाँ पे आप चूज करती हैं कि हाँ हील पहनना और यहाँ नहीं पहनना? एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रामाज में स्क्रीन में तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती है बट आई ट्राई फंक्शंस वगैरह इवेंट्स वगैरह पे। ठीक है तो आपके साथ तो हीरोज को अगर परफॉर्म करना होता होगा तो बाजू का तो नीचे वो कहाँ से आई सोनिया? अल्लाह ताला की तरफ से आई सोनिया। और ड्रामा इंडस्ट्री में तो बाय एक्सीडेंट आई। एज सच मेरा कोई प्लान था नहीं बट आई ऑडिशन्ड। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो चलो तुम ऑडिशन करो ये फलाना प्ले बन रहा है। सो आई वाज लाइक ओके। वो कोई कैरेक्टर था कोई बहुत छोटा कोई कैरेक्टर था उसमें। आई वेंट और मैंने ऑडिशन किया। उन्होंने कहा आप कल फिर आए। मैंने कहा ओके आई डोंट नो। मैं चली गई कल फिर। कल फिर उन्होंने जब मैं गई तो उन्होंने मुझे फर्स्ट लीड की जो है वो स्क्रिप्ट मुझे दे दी और उन्होंने कहा फलाने फलाने डेट से आपका जो है वो शूट स्टार्ट। आई वाज लाइक अच्छा ऐसे भी होता है। सो बस आई थिंक वो लक थी डेस्टिनी थी हो गया। अच्छा तो वो जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मीडिया में आने के लिए बड़ी सिफारिश और इसमें सर्वाइव करने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है ये ऐसे ही नहीं हीरोइन बन जाता बंदा। आई थिंक आपकी लक पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक आई सेड कि मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था बट मेरा यहाँ पे लिखी हुई थी रोजी रोटी सो मैं आ गई। सर्वाइव करने के लिए आपको बाकी में अपने लिए फाइट करनी पड़ती है बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत है। आप थोड़ी देर के लिए भी गायब होंगे आपकी जगह लेने के लिए पीछे बहुत लोग खड़े हैं। सो वो सर्वाइव करने के लिए आपको वाकई में बहुत मेहनत। वो किस किस्म की मेहनत होती है मिशाल? मतलब व्हाट डू यू हैव टू डू? आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योर वर्क एंड नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स। हमारे यहाँ पे होता है कि बस फटाफट हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएँ किसी भी तरह। आई थिंक ये बड़ा पेशेंस वाला काम है। आपको बड़ी पेशेंस चाहिए इसके लिए और मुझे इसी काम में आई थिंक पेशेंस सिखाई है क्योंकि मैं बहुत बेसब्री थी कि बस फटाफट हो जाए सब कुछ लेकिन नहीं ये पता चल गया कि सब आराम आराम से होता है अपने टाइम से होता है। ठीक है बिल्कुल सही। लेकिन अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ मिशाल को भी थोड़ा ही सा तो टाइम हुआ है। आई थिंक 4 साल तो हो गए हैं। 4 साल इज नॉट अ टाइम। हाँ लेकिन देखो 4 साल हो गए तो कहने में लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया। बड़ी खूबसूरत टैटूज हैं कुछ जो कि आपने वो किए हुए हैं। जी आई तो शौक है बहुत अच्छा। लेकिन ड्रामाज वगैरह की वजह से बस यहीं पे मैं रुक गई। ये क्या है ये ट्राइंगल क्या है? दिस इज लव ट्राइंगल। नो 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 दिस इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ फायर। माय मिशाल माय नेम मींस फायर इन अरबी। ठीक है तो ये उसका केमिस्ट्री सिंबल है और बीच में इट्स रिटन है। या अच्छा ठीक है इट्स रिटन लाइफ। बड़े लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है इल्यूमिनाटी और पता नहीं क्या क्या लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज अ कोटेशन इन इंग्लिश जो वो भी अरबिक में ट्रांसलेट करके। और उसमें क्या लिखा हुआ है इस कोटेशन में? कोटेशन में लिखा हुआ है यू आर द लव ऑफ माई सोल। यू आर लव ऑफ माई सोल। और आपने कितनी खतरनाक जगह पे लिखवाया है। बिल्कुल नब्स के ऊपर अपने लिखवाया हुआ है ना। बिल्कुल पता भी नहीं चला था टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल पता नहीं चला। बट हु इज लव ऑफ योर सोल? आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। आई थिंक मुझे काफ़ी लोगों ने बनाया है। मेरी फैमिली ने मेरे भाइयों ने मेरे माँ बाप ने। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरीवन। जिन 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 लोगों ने मेरा साथ दिया है मुझे बनाया है। बिल्कुल सही। विल कंटिन्यू। मुझे ब्रेक लेनी है। sure. So, एक ब्रेक के लिए रुके हैं और फिर आज हमारी मुलाकात हमारी खूबसूरत टैलेंटेड आर्टिस्ट से और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आज हम डिस्कवर करेंगे सोनिया मिशाल के बारे में। एंड अगर आप लोगों ने फैन पेज पे अपना अपना डेटा भेजा हुआ है तो आज स्टे ट्यून्ड इसलिए कि आज मैंने सबका निकलवाया है और मैं सोच रही हूँ कि सामिया जो है वो जितने लोगों का मैक्सिमम दे सकें जवाब जो आपने अपनी क्वेरीज और सवाल भेजे हुए और अगर अभी भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज दीजिए ताकि हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक है। स्टे विद अस। शामदीद सोनिया मिशाल से आप मिल रहे हैं। सोनिया मैं आपको बताऊं जब आप स्क्रीन पे आई ना और आपका ड्रामा कौन आपका इश्क क्या नाम था उस ड्रामे का? तू इश्क है। हाँ तू इश्क है। आपका ड्रामा ऑन एयर था और हम सारे बैठे हुए थे। हम टीम मॉर्निंग शो टीम हम काम कर रहे थे अपना और अचानक नईम ने एक चीख मारी। नईम हमारा पैनल पे इस वक्त प्रोड्यूसर। ये लड़की कौन है? अच्छा हम सब जो है ना सब काम छोड़ के हम पूरा ड्रामा कौन सी वाली लड़की। अब वहाँ लड़कियाँ आ रही थी एंड देन फाइनली सेड ये लड़की।
तो हमने कहा कि क्या तुम, अच्छा मैंने भी देखा एंड देन दैट वाज द मोमेंट व्हेन यू कॉट आवर आईज ना, अच्छा क्या आप काम कर रही हैं और आप अपीयर रही हैं. सो आई थिंक इस तरह का फीडबैक आपको और भी बहुत लोगों से मिला होगा. आई थिंक टू इश क्लिक बिकॉज वो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, दैट वाज लाइक माय फर्स्ट नेगेटिव एवर. और उससे पहले जो द प्रोजेक्ट आई क्लिक्ड वर एक्चुअली डंप ऑफ एंड ऑरेंज रेजा एंड खसारा, इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत बहुत, बिकॉज ये एक्चुअली इशू बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे एंड आई लव डूइंग इशू बेस्ड प्रोजेक्ट्स. टू इश्क है वाज अ फन प्रोजेक्ट, इट वाज अ लव ट्रायंगल, उसमें मैं नेगेटिव थी, वो भी करने में बड़ा मज़ा आया. लेकिन जो दम पुख्त और खसारा और जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे वो एक्चुअली इशू बेस्ड थे, तो उसके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी कैरेक्टर के लिए और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी. तो दैट वाज ये सिर्फ लक है कि आते ही आपको इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, बड़े कैरेक्टर्स रजिस्टर हो जाना एकदम से. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. या यू वर चूजी कि नहीं ये करना है ये नहीं करना? आई वॉज एक्चुअली, बिकॉज शुरू में आई वॉज, शुरू में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, आई वॉज न्यू, तो आई वॉज लाइक हाँ हर स्क्रिप्ट को हाँ कर देती थी. फिर जब दफ़ा किया मैंने कहा ये तो पहले यही चीज़ की, इसे थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम, सो व्हाट्स द पॉइंट. तो उसके बाद फिर जाके मैंने पूरी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू की और फिर देखा कि हाँ सिर्फ लव ट्राइंगल्स नहीं करने, और भी बहुत इश्यूज हैं. अच्छा, ज़्यादा ख़वातीन आती हैं या मर्द हज़रात भी? जैसे मैं नईम का बता रही हूँ, नईम ने आपका कोई ड्रामा नहीं मिस किया हुआ? रियली? अगर नईम की बेगम को नहीं पता तो भाभी नोट कर लें, नोट कर लें ये मेरी बात. एक्चुअली सेम रेशियो, औरतें भी और मर्द भी, बच्चे इवन. That surprises me the most. कौन सा फैन ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? कोई लड़का आके कि उफ़ आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई लव यू फॉरएवर. एक मुझे बहुत स्वीट भाई मिले थे. भाई भाई कहूँगी उन्हें. मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही थी लाहौर में, और वो आए और उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ली, वो बहुत स्वीट थे. उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपके भाई के साथ भी लेनी है. मैंने कहा क्यों? कहते आप इनकी बहन हैं और मैं उनके साथ कैसे ना लूँ. तो उन्होंने फिर मेरी पूरी फैमिली के साथ पिक्चर्स ली कि मैं ये यादगार रखूँगा. आई वाज लाइक दैट इज सो स्वीट ऑफ हिम. सही. अच्छा जी, ये हमारी टीम की एक फेवरेट वो है, हमने इसके पर लिखा इसलिए कुछ नहीं कि आप पहले से चीखना मार दें. ओके, बट ये जैसे आपने लिखा है लव ऑफ माई सोल, हमारे मुआशरे में सुनिए आपको नहीं लगता कोई भी बंदा मिलेगा और कहेगा पता नहीं किसके लिए? एग्जैक्टली, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं. अब शायद पूरी दुनिया को पता चल गया, बट अभी तक ये बहुत बड़ा सीक्रेट था, हर कोई मुझसे पूछता. बिल्कुल सही, लेकिन वो इतना सीक्रेट, इतना मतलब अजीब सा लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे एंशियंट जमाने से कोई खातून आ गई है अचानक और उन्होंने डिस्गाइज है आज के दौर का. आपके लुक्स भी इस तरह की हैं थोड़ा सा, आपका जो है ना इजिप्शियन, वो एक आपके अंदर एक आता है एक लुक का एलिमेंट है ना. आई थिंक मैं शायद रही हूँ मिडिल ईस्ट में, तो शायद वो थोड़ा सा आ गया अंदर, मे बी दैट्स व्हाई. अच्छा, इस बोर्ड पे आपने हमें बताना है कि आपके होने वाले जीवन साथी यानी आपका ड्रीम बॉय में क्या क्या कुछ है जो कि आप देखना चाहते हैं. ओके, आई हैव टू राइट. सो कभी सोचा है इस बारे में? Of course, हर कोई सोचता है. I'd be lying अगर मैं कहूँ कि यार you're very honest. वरना मैंने मीडिया की जितने लोगों से बात की कहते नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं है. ऐसा नहीं है, जिंदगी गुजारनी है, आगे लेके चलनी है, सोचना होता है. अच्छी बात है. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी सोनिया के beloved में या क्या कहेंगे, आप क्या लफ्ज़ कहेंगे उसके लिए? I don't know, personality कैसी होगी? I think इंसान कैसा होगा, इंसान कैसा होगा. सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज होगी जी, सबसे पहली चीज क्या है? ट्रस्ट. कैसे पता चलेगा? अब जब उनके साथ टाइम गुजरेगा तो आई थिंक इवेंचुअली पता चल ही जाएगा. ट्रस्ट लेकिन चलते चलते बहुत देर हो जाती है. आजकल आई थिंक सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि आपको पता चल जाता है इंसान का बहुत जल्दी. तो सबसे पहली बात कि ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मुझे नहीं है उसे जरूर हो. अच्छा, यानी आप शक्की के उसमें कह रही हैं या ट्रस्टवर्दी के उसमें कह रही हैं? हर हर चीज में, हर डिसीजन में ट्रस्ट होता है. ठीक, एक हो गया ट्रस्ट, हो गया कुछ टॉल डार्क हैंडसम, कुछ फेयर. आई थिंक
आपका माइंड मैच करना चाहिए. वो कैसे मैच करता है कि आप कहें चाहे तो उसके मुंह से भी उसी वक्त निकले चाहे. एग्जैक्टली. अच्छा, बहुत क्यूट बात की आपने. ठीक है. बट आपने जब पूरी जिंदगी साथ गुजारनी होती है तो आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर चीज पे एग्री करें, लेकिन मोस्टली अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात. ठीक है. सो मिलती जुलती सोच मालिक होना चाहिए. ओके. और वो सोच कैसी है आपकी? आर यू वेरी आउटगोइंग पर्सन? पार्टी? नो, मैं मेरे से बड़ा इंट्रोवर्ट इस पूरी इंडस्ट्री में नहीं होगा. अच्छा. लाइक मेरे लिए किसी से बात करना और कहीं सोचना कि हाँ अच्छा आज कहीं जाना है, तो दैट्स द डेथ ऑफ मी. मुझसे नहीं होता. ठीक है. सो पहली बात ये कि ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा माइंड मैच होना चाहिए, तीसरा कोई फिजिकल एलिमेंट भी लिख दो यार, कि हम भी किसी बंदे को देख के सोच सकें कि हाँ ये सोनिया के टाइप का बंदा लगता है. I think colored eyes. I really like colored eyes. Colored eyes, really? Haan. Green eyes? Green, blue, yellow. Green, blue, yellow. Very nice. Green, blue. Okay. Great. I think, I really like colored eyes. Colored eyes. भी हो अच्छी बात है. ठीक है. कलर्ड आइज तो वुमेन गोरे लोगों में होती हैं, तो फिर गोरा रंग भी हो. हमारे पाकिस्तानियों कितनी हसीन आंखें होती हैं. ट्रू. हाँ, मगर गोरा रंग के साथ होती हैं वुमेन कलर्ड आइज. So should we write gora rang ya kala rang? In between, I don't mind. Okay, theek hai. I think insaan andar se khoobsurat hona chahiye. Bilkul sahi. Theek. And height kitni ko? Yes, you drawn. Yeah, mere se lambi ho, please. Theek hai. I think 5'11", 5'12". Theek hai. Maybe. Yeah. ये तो बहुत आप मॉडेस्ट हैं हाइट के मामले में. 5'11", 5'12" तो आराम से मिल जाएगा. 6 प्लस की बात ही नहीं चाहिए. पहनूंगी तो बन जाऊंगी वहाँ पर. ठीक है. अच्छा, और कोई और एलिमेंट? पैसा कितना होना चाहिए? गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? ऐसी घर कितना बड़ा होना चाहिए? बिजनेस करता हो, जॉब करता हो? I think you should be my travel partner because I really want to travel. फिर तो मेरा ख्याल है हमें PIA में ही देखना चाहिए. Maybe उसको ट्रैवलिंग पसंद होनी चाहिए. ठीक है. I really want to travel all over the world. तो उसके पास टाइम भी होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए. बिजनेसमैन होगा तो टाइम होगा, तो जॉब वाला बंदा तो कर नहीं सकता. कर नहीं सकता. तो लिखते रहे ना इस हिसाब में, पता तो चलता रहे कि अच्छा क्या नहीं करना. ये सब कुछ भी लिखना है. हाँ हाँ. क्योंकि he has to be जैसे कहते हैं ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या बिजनेस पर्सन होगा तो वो आराम से आपके साथ ट्रैवल कर सकेगा ना. तो हमें ट्रैवल पार्टनर मुझे लग रहा है बहुत कोई बड़ी फरमाइश एग्जैक्टली. आपने भी लड़कों की फरमाइश लिस्ट नहीं देखी? रियली? हाँ. अच्छा अच्छा. अभी वो मौका नहीं है जब आप कभी ट्रे से जाके घर में अम्मी ने कहा आओ बेटे इनसे मिलो? नहीं, अभी तक नहीं आया. और आई थिंक ये अल्लाह के काम है. वो भी अल्लाह ही काम होता है. अल्लाह में यही बंदे भेज रहा होता है. और आई थिंक मुझसे नहीं होगा ये ट्रे से जाने वाला. हाँ. क्यों? लाइक आई सेड, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और आई थिंक मैं जब कर लूँगी पसंद, मैं बस हो जाएगी शादी पर. जब मैं कर लूँगी पसंद तब मैं अम्मी को बता दूंगी कि अम्मी ये जो दूसरे नंबर पे खड़ा है ना, ये लड़का है. ये लड़का है. तो अब आप लोग बात करें और इस रिश्ते को डन करें और आगे बढ़ें. तो अगर मैं अम्मी हुई तो मैं कहूँगी तो बेटे फिर बात क्या करनी है, खुद ही डन कर दो वहाँ पे. क्योंकि आई फील लाइक आजकल अरेंज मैरिज करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक इतनी चल नहीं पाती है. अरेंज मैरिज चल नहीं पाती. ओके. यहाँ हम कुछ ऐड करना चाहेंगे मजीद? हमें पता चल गया कि टॉल होना चाहिए, कलर्ड आईज होनी चाहिए, रंग कुछ भी हो चलेगा, बिजनेसमैन होना चाहिए ताकि और इतना पैसा होगा तो आपको घुमा सकेगा ना. अच्छा, आप उन लोगों में से हैं, बैठते हुए आपकी कैमरा आपको अच्छी तरह से देख नहीं सक रहा, आप उन लोगों में से हैं फर्स्ट क्या वो ट्रैवल करें वो कहेगा हाँ हाँ कहाँ चलना है, पैसे है ना तुम्हारे पास, क्या होगा? फिर मैं अकेली चली जाऊंगी. और अगर वो कहे कि अच्छा ऐसा करते हैं, लेट्स गो डच, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? I don't mind actually. और मेरे पास इतने हैं. Pull in करना. I don't mind. You don't mind pull in? No, I don't. ठीक है. I think अब इतना वो independent हो गए हैं कि I think अब है कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, pull in करके कर लेते हैं. हमेशा? हाँ. अगर एक बंदा मतलब आई इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि घर मैं ले लेता हूँ, बिल चल आप दे दिया करें, फिर I am in for it. If I really like that person and I want things to work out, तो फिर तो
छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, करने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ये ट्रैवल प्लान्स हैं तो मेरा ख्याल आजकल तो आप जीटी रोड पे भी बहुत सफ़र कर रही हैं। जी बिल्कुल, और इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, यू वोंट बिलीव। हाँ एक्चुअली जीटी रोड जी हमारा एक प्ले है ए प्लस का, जो कि आप बहुत जल्द, बल्कि ड्रामा सीरियल है, जो कि आप बहुत जल्द सोनिया मिशाल को उसमें देखेंगे और हमारी स्क्रीन पे आएगा। बाकी आपको सोनिया ही बताती हैं इस बारे में। सोनिया क्या उसमें क्या क्या कुछ हो रहा है? अभी तो मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन इतने मज़े की कास्ट और इतना वो कलरफुल प्ले है। अंदरून शहर की बेसिकली वो फैमिली है और किस तरह से दिखाया हुआ है कि माँ बाप ने अपनी फैमिली को किस तरह से लेके चल रहे हैं, अपने बेटों को और उनकी बहुओं को। आई थिंक ये पहली दफ़ा किया मैंने इस तरह का एक प्रोजेक्ट। उसमें भी मेरा थोड़ा सा नेगेटिव है, टुवर्ड्स द एंड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बट एक टिपिकल अंदरून शहर की कहानी है वो, कि घर के अंदर क्या होता है उन बिल्डिंग्स में जो कितने साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इट्स अ वेरी कलरफुल प्ले। आसमा सिंबल आपा काशिफ भाई everyone's in it. Dilawar sir direct कर रहे हैं। I think he's doing a wonderful job. और I think लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये इसमें खूबसूरती ये है कि काशिफ महमूद और ये तमाम लोग जो नाम लिए हैं सोनिया ने, सब वो लोग हैं जो जो पंजाब के टिपिकल एक आर्टिस्ट है ना, जो जो एक पंजाब के एक अपना एक्टिंग स्टाइल। बिल्कुल। सो उसके साथ आते हैं। बिल्कुल। उनकी एक्टिंग, उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है जो और बहुत सारे लोग। बिल्कुल, वो सीन के बीच में ऐसे इम्प्रोव कर जाते हैं कि आप कहते हैं ओ माय गॉड ये भी हो सकता था। और वो उनकी पंजाबी इतने मजे की है और जिस तरह से इम्प्रोव करते हैं, पंजाबी का कोई मोटा सा वर्ड ला के देंगे, बताएंगे कैसे हो सकता है। आपको पंजाबी आती है? मुझे समझ आ जाती है, बोलनी नहीं। आप मतलब उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी? नहीं, माय डैड्स पंजाबी, माय मदर्स कश्मीरी, तो मैं मिक्सचर हूँ एक। तो डैड इज पंजाबी, तो फिर पंजाबी ना आए तो इसका कभी आपको डांटा नहीं? हाँ, पंजाबी आदमी उर्दू में डांट नहीं सकता। नहीं ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट में रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे पंजाबी बोलने का इतना मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला। अच्छा, स्कूलिंग भी जब थी तो वो भी अरबी। और जब आप, अब मैं शादी से ही नहीं निकल रही हूँ, जब आप शादी का सोचेंगी तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, उर्दू स्पीकिंग हो? आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता, पहाड़ी भी इवन हो, लैंग्वेज आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? या ठीक है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होता? एक्चुअली ये प्लस पॉइंट है कि अगर किसी को कोई दूसरी लैंग्वेज या कुछ आता है डायलैक्ट, तो आई थिंक वो अच्छी बात है, आना चाहिए। मैं बड़ी दफ़ा नुमान एजाज नोमी भाई जो है उनसे कहती हूँ कि मुझे आपसे पंजाबी सीखनी है, क्योंकि आप बहुत अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन आज तक हो नहीं सका। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा जो नेगेटिव कैरेक्टर मिलता है, ये थोड़ा सा कुछ नेगेटिव जो है वो आम जिंदगी में भी कहीं कहीं नज़र आता है? कभी कभी। अच्छा सुनिए, साल में एक दफ़ा शायद। मैं बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत इंपेशेंट थी पहले कि बस फटाफट सब कुछ हो लगता जाए। तो कहीं से नहीं है इंपेशेंट, लगता तो है कि अब कंट्रोल आ गया है, कंपोज्ड। अब बहुत कंट्रोल आ गया। आई थिंक आप एज के साथ साथ भी व्हेन यू गेट मैच्योर तो आपके अंदर कंट्रोल आ जाता है। तो अब कभी कभी होता है, मैं स्कॉर्पियो तो वो कभी कभी वो स्कॉर्पियो बाहर आता है, फिर आपको पता है क्या होता है, लेकिन वो बहुत कम हो गया। आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो। अच्छा, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो क्या क्या होता है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिल रहे हैं। खुशामदीद। ये जो ये सोनिया का है, सोनिया ये इसका मतलब है कि आपको जरा जरा कडली, थोड़े से इस तरह के फ्लफी जानवर बहुत पसंद है। एक्चुअली आई लव वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मासूम जानवर भी कह लें। अच्छा, मासूम जानवर, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं जिन्होंने अक्सर अजदहा उठाया होता है और पाइथन उठाया होता है, एलिगेटर भी रखा होता है ना, काफी पीर ज्यादा, उनको वाइल्ड लाइफ वालों ने नोटिस भेज दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप इतने खतरनाक जानवर जो है वो नहीं रख सकती, और मतलब उन्होंने कहा ये है कि इस पर 2 साल तक सजा हो सकती है। जो लोगों ने भी सांप, अजदहे, एलिगेटर्स, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, उसकी तस्वीरें डालना बंद कर दें। आई थिंक ये अच्छी बात है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक
सर्टेन जगह के लिए बनी हुई है, आप उसे घर पे नहीं रख सकते. आप बिल्ली रखें, आप इस तरह की चीजें रखें, बट सांप और इस तरह की चीजें नहीं रखें तो बेहतर है. बिल्कुल. सो आई एम क्यूरियस कि इसके अंदर से क्या क्या निकला. पहली बात तो ये कि ये बहुत क्यूट है भाई. थैंक यू. इतना क्यूट लग रहा था अभी जो हमने इसको रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक प्यारा सा पांडा जो है ना वो यहाँ पे बैठा हुआ है. अच्छा, अब क्या है इसमें? इसमें एक्चुअली मेरी कोई इतनी इंटरेस्टिंग रूटीन तो है नहीं मेकअप की, बिकॉज आई ट्राई कि मैं जितना कम से कम हो सके वो यूज़ करूँ, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट पूरा पूरा दिन और हर दिन मेकअप करते हैं सुबह उठ के. ठीक है. तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ आई डोंट यूज़ फाउंडेशन. मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है. सो आई ट्राई टू यूज़ टिंटेड मॉइस्चराइजर्स. ठीक है. या फिर सीसी क्रीम्स बेसिकली. सी क्रीम जी, ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है सीसी क्रीम. अब मेकअप एक्चुअली पहले इनकी है ये तो मैंने कट की है. ठीक है. बट एक्चुअली मेकअप अब काफ़ी इवॉल्व हो गया है, काफ़ी एडवांस हो गया. पहले फाउंडेशंस आई, फिर टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आए, फिर टिंटेड आई थिंक सनस्क्रीन्स आई, फिर बीबी क्रीम्स आई, अब सीसी क्रीम. अब सीसी क्रीम्स आ गई. अच्छा, ये कब लगता है और ये कब लगता है? ये मैं दोनों मिक्स करके लगाती हूँ, बिकॉज इसके अंदर SPF है. इसके अंदर SPF है और इसके अंदर SPF नहीं है. इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर विटामिंस एंड मिनरल्स हैं. ओके, सो ये दो चीज़ें जनाब मिक्स करके लगाती हैं तो इनकी स्किन जैसे आपको नज़र आ रही है इस वक्त इस तरह से ठीक नज़र आ सकती है. नहीं नहीं, बहुत अच्छी. अच्छा, और उसके बाद आई थिंक अगर मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ और मुझे सिर्फ एक ग्लो चाहिए फेस पे इवन टोन, तो सनस्क्रीन. एंड देन सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे वेदर के लिए. हम जिन लाइट्स में काम कर रहे होते हैं उसके लिए SPF बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सब लगाया करें. ठीक है, तो SPF जो है वो भी ऐड हो जाता है जी. व्हाट एल्स? उसके बाद ये बेस होगी हमारी पूरी. ये हमारी बेस होगी पूरी. उसके बाद आई ट्राई टू कंसील माई डार्क सर्कल्स, क्योंकि हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं. हाँ. और फिर नीचे आई बैग्स बन जाते हैं. नींदें उड़ाने वाला तो कोई आया नहीं, तो फिर नींद पूरी क्यों नहीं? लास्ट नाइट मैं 3 बजे फ्री हुई हूँ. अच्छा. या और मैं 10-3 घंटे से फिर मैं उठ के यहाँ आ गई हूँ. सो उसके लिए आपके पास पहले आई क्रीम होनी चाहिए एक अच्छी, ताकि वो डीप अप करे आपकी आईज और थोड़ा सा उसे ब्राइट करे. ये किस किस की है ना? ये एस्टी लॉडर की है. ठीक है. और ये मैं एक्चुअली मैं जब भी ये प्रोडक्ट्स लेती हूँ तो मैं ट्रैवल साइज लेती हूँ, बिकॉज हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो हम बड़े बड़े जार्स लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मेरी काफ़ी चीज़ें बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट होती हैं, उनके साथ मैं ट्रैवल करती हूँ. सो दिस इज एस्टी लॉडर. बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपको स्पेन में से नहीं गुजरना पड़ेगा. जब एक दफ़ा मैं इतफाकन मुझे याद नहीं रहा कि मेरे वो मेकअप पाउच जो है वो पड़ा है और उसमें मेरा जो फुल मॉइस्चराइजर है ना वो पड़ा हुआ है. oh God. और वो मुझे कहे कि ये फेंके और मैं उससे कि नहीं नहीं ये आप. अच्छा, वो हम थे थाईलैंड में. अच्छा. और वो मुझे कहे कि ये डाले बगैर आप फ्लाइट नहीं ले. अब फ्लाइट भी निकल रही है और मैं उसको मॉइस्चराइजर को भी देख रही हूँ और मैं फ्लाइट को भी देख रही हूँ. देन आई हैड टू थ्रो इट अवे एंड देन आई लर्न्ड माय लेसन कि यार ये ऐसे ही होता है. मैं भी जब शुरू में जब ट्रैवल करती थी तो पूरी पूरी बड़ी बड़ी वैनिटीज होती थी मेरे साथ, और अब ये रह गया. मतलब अब इतना सीख लिया है कि बस कम चीज़ें रखो, हैंडी होना चाहिए. एग्जैक्टली. उसके बाद आई क्रीम हो गई. उसके बाद आप थोड़ा सा डार्क कंसीलर ले लेंगे. दिस इज बाय मेबेलिन. ठीक है, ये कंसीलर हो गया. कंसीलर की थोड़ा सा डार्क होगा, आई थिंक 1 शेड डार्क होगा आपकी स्किन से. ठीक है. आप उसको ब्लेंड करके यू विल यूज़ अ लाइट कंसीलर. दिस इज़ बाय रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन. ठीक है. ये करके आप ब्लेंड कर लेंगे तो आई थिंक आपकी ओवरऑल जो जो आपके स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर से आप करेंगे इसको. ठीक है. और जो जो आपके बचा होगा कंसीलर वो आप पूरे मुंह पे डाब कर लेंगे. अच्छा, आपने ब्यूटी ब्लेंडर भी बड़ा क्यूट रखा. छोटू सा. ठीक है, ये हो गया. ठीक है. उसके बाद आई लाइक टू डू माई आईब्राउज. ठीक है. सो आई यूज दिस 3D आईब्राउ पेंसिल बाय मिनीसो से ली थी. ठीक है. इट्स अ वेरी हैंडी ब्रांड, वहाँ से सब कुछ मिल जाता. तो आई यूज द कलर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक है. ठीक है. वो करके उप्स. कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, छोड़ दे. अच्छा, देन उसके बाद फिर आई बेक माय अंडर आईज. ठीक. This is bake my under eyes. Yeah. Very good. Yeah. So this is actually कितने temperature पे कितने ये actually बड़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं.
बेक इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो ऑयल आ जाता है टी जोन में, तो उसके लिए आप ये मेकअप रेवोल्यूशन का ही बनाना पाउडर है, इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको भी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर लगा के यहाँ यहाँ छोड़ दें जब तक आप अपना आई मेकअप नहीं कर लेते। उसके बाद आई डू माई आई मेकअप और ये लगा रहता है नीचे, ये एक्चुअली आपके नेचुरल ऑयल्स के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप इतना थ्रू आउट द डे ऑयली नहीं रहते बेसिकली। वेरी गुड, सो जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए हमें सोनिया से क्या अच्छा एक प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। या अच्छा, एंड उसके बाद लाइक आई सेड छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास, आई डोंट कैरी बिग आई शेडोज के जो पैलेट्स होते हैं, so I just carry natural eyeshadows. This is the one that I'm wearing right now, and it's a beautiful color. और I make sure कि मैं brown tones में ही ज़्यादा रहूँ, ठीक है, and these are the little eyeshadows that I use, ठीक है। उसके बाद आता है जी waterproof mascara. Waterproof इसलिए क्योंकि हमें रोना होता है ड्रामों में और पसीने भी आ रहे होते हैं, तो ये सब उसके लिए, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं लिप्स पे हम, तो आई डोंट यूज़ लिपस्टिक्स क्योंकि उससे मेरे लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सो आई यूज़ अ टिंटेड लिप बाम बेसिकली। दैट्स इट, अभी भी आपने वही लगाया हुआ? या अच्छा, और कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती हैं आप? कभी अगर कुछ इवेंट का सीन हो या कुछ इस तरह हो तो मैं ये लेती हूँ और इसको बस अंदर करके ओके। ये पहली खातून है जिनके पास से लिपस्टिक नहीं बरामद हो रही। ये है बट ये कभी कभी यूज होती है। ये लिपस्टिक है? या इट्स अ लिपस्टिक, ये भी आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन की ही है। ठीक है, सो आपका फेवरेट ब्रांड जो है वो मेकअप रेवोल्यूशन है? हाँ, बिकॉज आई थिंक ये इजीली अवेलेबल भी है ये पाकिस्तान में, मोस्टली जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। इसके बाद ब्लश ऑन आता है, आई यूज एसेंस का, दिस इज अ वेरी नाइस पीची कलर, ठीक है, on the apples of my cheek, and for my blending in do cheezon ke liye I use a stippling brush, theek hai, ye bada fine brush hota hai, isse aapki lagta hai skin nahi hai, aapne upar makeup nahi lagaya hua, theek hai, and this is by elf, theek hai, by the way, uske baad again I have another lip balm, ye bhi tinted hai, theek hai, this is from body shop, theek hai, and aankhon ko thoda sa kholne ke liye I use this स्किन कलर्ड पेंसिल, लोग व्हाइट पेंसिल यूज करते हैं लेकिन आई थिंक हमारी स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी सैंडिश में आती है जी, बिल्कुल, तो हमारी स्किन टोन के लिए स्किन कलर ही अच्छी लगती है व्हाइट थोड़ी सी। ओके, और ये किसकी है? ये है जी सिटी कलर, ठीक है, सो सिटी कलर। अच्छा, कलेक्शन कितनी मेकअप की, कितनी आप मतलब खरीदती हैं चीज़ें, शॉपिंग करती हैं? अच्छा, बहुत मेकअप मैं बहुत लेती हूँ, लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहती हूँ कि मेकअप के साथ साथ स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। कवरेज तो आपको सब चीज़ें देंगी, बट अब आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको स्किन केयर भी दे रहे हैं साथ। ओके, ये क्या चीज़ है ये जो पड़ी हुई है? ये एक्चुअली है कि अगर आपको एक्ने हो रही है या क्लॉग्ड पोर्स हैं तो आप मेकअप से पहले आप इसको लगा सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा कि वो जगह थोड़ी कवर हो जाएगी, मेकअप इतना डीप नहीं जाएगा, वो स्किन और ख़राब नहीं करेगा। वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया। Is there anything? इसके बाद सब कुछ ये उतारने के लिए आई थिंक काफ़ी लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप उतारने, सिर्फ मुंह धोने से आपका जो चेहरा है वो साफ नहीं हो जाता। ये भी ट्रैवल साइज मेरे पास है, इट्स एक्चुअली अ बाम, ठीक है, और ये आप अपने हाथ पे लेते हो तो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, ठीक है, ऑयल की तरह। आप इससे वाटरप्रूफ मस्कारा भी उतर जाएगा, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई शेडो सब कुछ उतर जाएगा। उसके बाद आप मेकअप वाइप लेंगे, बेबी वाइप नहीं लेंगे, मेकअप वाइप लेंगे और उससे मुंह साफ करेंगे और उसके बाद अपना चेहरा धोएंगे। एंड दैट्स इट, दैट्स इट, डन विद द मेकअप थिंग। और ये आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, किसी दूसरे से मुतासर नहीं होती कि किसी ने किस तरह की लिपस्टिक लगाई हुई है, किसी ने किस तरह का मेकअप किया हुआ है? पहले होती थी और फिर मैं वो चीज़ जाके खरीदती थी, लगाती थी और फिर मेरी स्किन ब्रेकआउट करती थी। यही प्रॉब्लम है कि अगर जो चीज़ आपको सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है वो मुझे भी सूट करे, तो आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल फ्री होने चाहिए प्रोडक्ट्स,
और भी बड़ी चीजें होती हैं. सो लेस इज मोर, लेस इज मोर हमें नजर आ रहा है ऑन द टेबल. और छोटा सा एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है. स्टे विद अस, ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस. मदीद, आज हम मिल रहे हैं सोनिया मिशाल से, जिन्हें आप ए प्लस की स्क्रीन पे बहुत जल्द देखने वाले हैं. हमारा एक बड़ा ग्रैंड ड्रामा सीरियल आ रहा है जीटी रोड के नाम से, जिसमें आप सोनिया को देखेंगे. बहुत सारे और ऐसे एक्टर्स हैं और बहुत सा ऐसा ड्रामा स्टाइल और स्क्रिप्ट एंड राइटिंग एंड बिल्डिंग्स एंड लोकेशंस हैं जो अब हमारी स्क्रीन से थोड़ा मिस होगी नहीं है. सो आपको एक दफ़ा फिर ए प्लस की स्क्रीन से ये ज़बरदस्त सी चीज़ है देखने को मिलने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अच्छा सोनिया, खुद को कैसे रोल्स पसंद है भाई? रोने धोने वाले, ये जो थोड़ा नेगेटिव वाले मिलते हैं या गुस्से वाले? आई थिंक इट्स हार्ड टू चूज, बिकॉज अगर आपका कैरेक्टर रोने धोने वाला अच्छा लिखा हुआ है तो आपको वो पसंद आएगा. अगर आपका नेगेटिव बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपको वो पसंद आएगा. यूजुअली आई डोंट लाइक टू पोर्ट्रे वेमेन as less than men, you can say, like मुझे रोना धोना स्क्रीन पर पसंद नहीं है. और आम जिंदगी में आप बराबरी के उस पर यकीन रखती हो? बिल्कुल, यानी जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी आप कपड़े धोएंगी तो वो बर्तन धोएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा. ठीक है, मतलब आप घर के काम करती हैं? मैं जब सुस्त ना हूँ तब करती हूँ. वेरी लेजी, लेकिन हाँ हम करते हैं. हम एक्चुअली मिल के सब करते हैं. हम कौन? मतलब मैं, अम्मा, मेरे भाई, भाभी, हम सब मिलके, बिकॉज हमें उस तरह से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. ठीक है, हमारा फैमिली टाइम होता है हमारे को. हम कोई खाना बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है. वैसे तो आप बहुत ऑनेस्ट हैं सो फार जो मैंने फील किया है, मगर ये हमारा एक बोर्ड आपके लिए भी है. ओके, इसके एक साइड पे हाँ है. ओके, इसके एक साइड पे नहीं है. बिल्कुल, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस हाँ नहीं इज गुड एनफ. ओके, बट अपराइट एंड जो हम सही सही एक दूसरे को बता सकेंगे. ठीक है, जिंदगी में कभी किसी से टूट के प्यार किया? टूट के हैं, टूट फूट के. ओके, अच्छा, जिंदगी में किसी के प्यार में किसी ने दिल तोड़ा हो, सारी रात रो के गुजारी? दिल टूटा ही नहीं कि रो के नहीं गुजारी? आपने कहा था एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलिए अगला सवाल है, दिल टूटा नहीं कि रोया? रोया नहीं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह रोए नहीं. अभी तक रोए नहीं, वेरी गुड सर. आप ना ही रोएं कभी भी. अच्छा जी, किसी एक्टर पर क्रश हो गया हो, साथी किसी कुलीग पे, कैन बी क्लास फेलो, कैन बी एनीबॉडी, जो साथ हो वर्क प्लेस पे, कभी किसी पे क्रश हुआ हो? आई एम नॉट गोना से क्रश, लेकिन वो एक आपकी कि आप लुक अप करते हैं उनको कि वाओ ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, इनकी एक्टिंग से मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी हो रही है. क्रश उस तरह से नहीं, बट आपको कोई अच्छा सीनियर्स के साथ हो सकते हैं, जो आपके कोलीग्स आपके साथ के हो, उनके साथ? बिल्कुल, उनके साथ जो साथ हो उनके, उनसे भी नहीं कभी क्रश लाइफ वाली फीलिंग? नहीं, क्रश नहीं, क्रश नहीं. तो जिन लड़कियों को उन पर क्रश हो रहा होता है, आप उनके बारे में क्या फील करती हैं फिर? मैं कहती हूँ कि रियलिटी में वापस आ जाओ, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है. अरे ये सबके साथ होता है. आई मीन आज नईम ने खुला हुआ था फैन पेज और वो हंस रहा था वहाँ पे कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना, तो मैं उसे देख के मैंने कहा बेटे तुम्हें नहीं ना पता, वो दूर से देखते हैं. ओके जी, कभी किसी ने आपसे नंबर मांगा और आपने गलत नंबर दे दिया अपना? मैंने तो कल भी दिया है, बहुत देना पड़ता है. लोग नंबर मांगते ही क्यों है मुझे ये नहीं समझ. अच्छा, फिल्म देखते हुए रोना शुरू कर दिया हो और ठीक ठाक वाला रोना, एक आधा बाकायदा रोना के साथ है, गुड. जिंदगी में झूठ बोला हो किसी से और झूठ बोल के कहो आई लव यू, आई लव यू? मैंने किया है कई दफा. अच्छा, करना पड़ा? सिचुएशन में होगा, सिचुएशन की वो डिमांड होगी. सिचुएशन, आई एम कवरिंग फॉर यू. ओके, कभी चीट किया हो किसी को? किस तरह चीट? चीट प्रॉपर, वो वाला प्रॉपर चीट? हाँ, ठप्पी. अच्छा जी, कभी
अभी वो स्टेज तो नहीं आई, लेकिन किसी के मोबाइल से मैसेजेस पड़े हों कि किसने मैसेज किया और क्या किया। मैंने तो रंगे हाथों पकड़ा भी है ना फिर। अच्छा, ओ माय गॉड, ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होती हैं जो आपको बाज़ुकात में। मेरा ये इस तरह होगा क्योंकि शायद कभी कोशिश की हो और पासकोड ना पता हो तो क्या करें फिर। अरे जब आपको पकड़ना होता है ना, देन यू गो ऑल आउट। आई थिंक तब वो नेचुरली कुछ ऊपर से हो जाता है कि आप पकड़ लेते हैं। आप पकड़ लेते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा जी, कभी किसी की झूठी तारीफ की हो करोल लेने के लिए, काम निकलवाने के लिए? क्या क्या बात है, वाह वाह वाह, हाँ मेरे से भी नहीं होता। अच्छा जी, कभी आपकी जो साथी का कोई रोल है लड़की का और आप उसे जेलस हो गई हो कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए था, इतना अच्छा रोल मुझे नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं इसमें हूँ नहीं, इसलिए आई कांट। अच्छा जी, जूनियर आर्टिस्ट आपके जो हैं उनको टफ टाइम दिया, उनके ऊपर रोब जमाया? मैं सीनियर हूँ अब तो, मैं सीनियर नहीं, नहीं कभी आप पे किसी ने रोब जमाया हो कि यू आर जूनियर, देखिए ऐसे नहीं ऐसे होता? नहीं, बिकॉज मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब तुमसे पहली दफ़ा मुलाकात होती है तो तुम काफ़ी गुस्से वाली और उस तरह की तुम लगती हो, तुम बात ही नहीं करती हो तुम किसी से, तो उस तरह से कभी किसी ने मुझे नहीं किया कि ये तो नहीं आई है तो चलो इसको ज़रा करने की कोशिश करें। नहीं, ठीक है। कभी बैक वक्त दो लोगों के साथ प्यार हो? एक नहीं संभाले जाते दोनों। नहीं, अच्छा कभी आपने किसी का दिल तोड़ा हो? मैं तो दिन में 10 दफा तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन मुझे काफ़ी मैसेजेस आए होते हैं फैंस वगैरह के, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन वैसे इंटेंशनली कभी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, देयर इज समथिंग अबाउट यू, आपको अक्सर लोग कहते होंगे कि आप बहुत रूड हैं, बिल्कुल गुस्से वाली लगती हैं, ऐसे ही होता, ऐसा क्यों है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा था कि मैं जाके चुपचाप एक कॉर्नर में मैं बैठ जाती थी और मैं स्क्रिप्ट पढ़ती रहती थी और सीन के लिए जब बुलाते थे मैं जाके सीन कराती थी और दैट वाज इट। मैं अपने को स्टार से या किसी से भी बात तक नहीं करती थी क्योंकि बचपन से आई वॉज लाइक दैट, तो एकदम से आपकी नेचर चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा यार केमिस्ट्री बनानी होती है लोगों के साथ, वो केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे चलनी होती है और उसी से आपका ड्रामा जो है वो बनता है। तो फिर मैं ज़रा अपने शेल से बाहर आई और फिर मैंने बातें करना शुरू, फिर लोगों ने कहा कि यार जब तुम पहले आई थी ना तो हमें लगता था कि ये बंदी तो बहुत रूड है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। तो नाउ आई लाइक हाँ, करो बातें करो, अब दोस्त भी बन गए हैं और अब सब सही है, अब नहीं कोई कहता। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो पसंद होगी या प्यार मीडिया में भी हो सकता है, मीडिया के किसी बंदे से भी हो सकता है, वहाँ भी शादी की जा सकती है? मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। इम्पॉसिबल? हाँ, क्यों? आई डोंट थिंक, लाइक आई सेड कि ट्रस्ट इश्यूज जो है आपके होने चाहिए। आई एम वेरी पोजेसिव स्कॉर्पियो, आई नो, तो आई थिंक मुझसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो सकेगी। और जो जिससे आपकी हो रही होगी वो भी स्कॉर्पियन हुआ और उससे भी हैंडल ना हो सक रही थी, फिर तो आई थिंक पता, अल्लाह ही माफ़ करे, फिर क्या होगा? अगर आपको ये कहा गया कि घर या आई लव यू वेरी मच लेकिन आपको काम छोड़ना पड़ेगा, फिर आई थिंक मैं डिपेंड करता है कि मैं उस इंसान के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। अगर तो वर्थ इट होगा तो आई थिंक आई विल। हाउ विल यू डिटरमिन कि वर्थ इट है? वक्त गुजार के साथ, एकदम से तो आपको किसी का पता नहीं चलता। आई थिंक वक्त गुजार के साथ। और अगर वो इस किस्म का हुआ कि आप अभी उसे देख रही हुई कि ये किस किस्म का है और वो अपने तौर पे तय कर चुके कि ये तो मेरे साथ घूम फिर रही है, एंड व्हेन यू ट्राई टू टेल हिम कि सॉरी मैंने आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के देखा है, इट्स नॉट वर्किंग, तो वो कहे तुम मुझे छोड़ के जाओ तो सही, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, और वो बंदा जो है वो अपने तौर पे सेट हो जाता है, कहता है कि हाँ इट्स ऑल ओके डन गुड टू गो। आई थिंक तब बस मैं नंबर चेंज कर लूंगी, यही होगा, बिकॉज मुझसे किसी से ये कहना कि यार आई एम सो सॉरी ऐसा नहीं हो सकता हमारे बीच, आई थिंक वो बहुत, इतने से तो काम नहीं चलता। आई एम सो सॉरी ऐसा, आई थिंक गट्स चाहिए किसी का दिल तोड़ने के लिए, नहीं आई थिंक मैं तो गायब हो जाऊंगी। और जो आपका दिल तोड़े उसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए?
उसको हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा एज अ पर्सन. आई थिंक यू आर स्ट्रांग. आई एम वेरी स्ट्रांग. एक बंदे से आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं होती है. यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. अच्छा जी सोनिया जी, जिंदगी में कुछ रेड लाइंस होती हैं जी. आर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू. इसलिए मुझे लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू अ वेरी सेंसिबल लेडी. थैंक यू. बिकॉज यू आर वेरी क्लियर ऑन वेरी थिंग मेनी थिंग्स और आप उनको एक्सप्रेसिव भी उसके बारे में. सो मुझसे नहीं होगा रेड लाइंस जिंदगी की. आप जो कुछ रेड लाइंस होती है ना कि ये नो नो, तो उसके बारे में आपने हमें बताना है. सोनिया की नो नो एरियाज कौन से हैं और नो गो एरियाज कौन से हैं. सबसे पहले पहली चीज, मुझसे नहीं होगा. दिल किसी का तोड़ लेंगी आराम से? नहीं. हाँ नहीं, तो फिर लिख दे किसी का दिल नहीं तोड़ा जाएगा. अच्छा जी. अच्छा मेरी उर्दू बहुत खराब है. मैं अंग्रेजी में लिख दें. हाँ अच्छा. और किसी से पैसे निकलवाना? किस किस्म के? किसी भी किस्म के यार. आजकल तो आजकल मैं अक्सर बच्चियों से मिलती हूँ और घर वालों को भी मुझे चाहिए, इसमें नज़र रखना चाहिए. आप उन्हें देखे ना तो टोटल पैकेज जो होता है वो लाख रुपए से ऊपर होता है. उन्होंने 10-15 हज़ार का सूट पहना हुआ है, उन्होंने 10-15-20 हज़ार का बैग उठाया हुआ है, उन्होंने एक मोबाइल कैरी किया हुआ है विच इज़ वर्थ काफ़ी हज़ार. आप सोचते हैं कि आया कहाँ से है, किसने दिया है, कहाँ से आपकी अर्निंग कहाँ से? आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है बिकॉज मुझे ये है कि मैं कमा रही हूँ तो आई एम गुड, लाइक आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू पैम्पर मी. आई थिंक जो भी होगा बहुत लकी होगा उस हिसाब से. सो ये अब आप ऑन एयर एक डिस्क्लेमर दे रही हैं कि आई एम गुड, मैं कमा रही हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है. ऐसी खातिन के लिए तो रिश्तों की लाइन होती है. कहाँ है? ढेर होती है. लड़की कमाती है, आई थिंक उसके पास अपना घर है तो बस ठीक है, शादी हो जाएगी. डोंट टेक अवे माय इंडिपेंडेंस. Don't take away my independence. Okay, ठीक है. And independence mean? मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी को केज कर लें और फिर आप उसको सांस ना लेने दें, आप ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, यहाँ भी ना जाओ. सर हमारे इंडिपेंडेंस का मतलब पता है क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये कि आपने फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपकाई हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि आज खाना जो है वो ओवन में पड़ा हुआ है, गर्म करके खा लेना, मैं लेट आऊँगी. नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ही नहीं. बस लेट मी डू व्हाटएवर आई वांट, नॉट एज इन व्हाटएवर आई वांट टू डू, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ. मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ. और ये नहीं बोलना कि ये ना पहनो और ये ना करो और वो ना करो. जस्ट लेट मी बी. ठीक, इस तरह का कहना नहीं चलेगा. ओके, यू कैन थिंक अबाउट मोर रेड लाइंस. अब ब्रेक में आप उनको लिख सकती हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आए तो हम उनको डिस्कस कर सकें. टेक योर टाइम. और हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. जनाब, आज सोनिया मिशाल ने हमसे शेयर की हैं अपनी रेड लाइंस जो कि उन्होंने ड्रॉ की हुई हैं, जिसमें सोनिया पढ़ के बताइएगा क्या क्या कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है. नहीं अच्छी है. बहुत बुरी है. आई थिंक डांस इन अ मूवी, दैट्स लाइक अ नो गो एरिया फॉर मी. रियली? या किसी के भी साथ? किसी के भी, इवन इफ शाहरुख खान हो? नो, आई कांट. आई कांट मूव टू सेव माय लाइफ उस तरह से. And then I wrote के if I don't like a project, I have a right to say no. यहाँ पर ये होता है कि अगर आप एक किसी production house के साथ काम कर लें और वो ये समझते हैं कि आप उन्हें अब आप जो भी project देंगे ये कर लेंगे, ऐसा नहीं. एक्टर के राइट को नहीं देखते लोग, इसको पसंद है या नहीं. बहुत सारे लोगों का मजा नहीं है. मैंने एक्टिंग जब छोड़ी थी सोनिया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस जमाने में ना ठेके पे एकदम ठेके का कॉन्सेप्ट ना, ठेका इज वर्ड फॉर अनदर थिंग होता ये था. एक प्रोडक्शन हाउस आपसे कहता था बस ठेके पे आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको स्क्रिप्ट देते रहेंगे, आपको जो ना कहते जाना आपने वो करते जाना, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको इतने पैसे जो है वो हम आपको दे दिया करें. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं होना है. तो ये भी एक नो गो एरिया है कि मुझे अपने पसंद का करना है काम जो भी करना है. लड़ाइयाँ तो फिर आपकी अभी तक बहुत सारी हो चुकी होंगी माशाल्लाह. सरप्राइजिंगली एक दो ही हुई है और लेकिन वो काफ़ी लेवल की हुई है. एंड देन गॉसिप, आई डोंट लाइक गॉसिपिंग.
मुझसे गॉसिप नहीं होती एट ऑल एट ऑल. सो इसका मतलब आपकी लड़कियों से दोस्ती भी नहीं होगी? मेरी एक्चुअली है, लेकिन ये सही बात है, मेरी लड़कों से ज़्यादा होती है. लेकिन गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे नहीं होती. ठीक है, बस दैट्स इट. तो आप दो खवातीन बैठी हों और वो कहें कितना अच्छा जोड़ा है, कहाँ से लिया, वो फलां का जोड़ा देखा था, वो तो वहाँ पे इतने का मिल रहा था, मैं वहाँ से जी 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 करके ऐसे उठ के वहाँ से गायब हो जाती हूँ. अच्छा. बिकॉज वो बात बहुत आगे तक जाती है, उस जोड़े से शुरू होती है और फिर पूरे घर तक जाती है. हाँ. तो या आई जस्ट डिसअपीयर फ्रॉम देयर. आप इतनी मैच्योर कैसे हैं? आई थिंक लाइफ, जिंदगी शुरू बड़ा कुछ हुआ जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी स्मूथ नहीं होती है, परफेक्ट नहीं होती है. तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसने सिखाया और जिसने बड़ा कर दिया. या अब अगर मैं पूछूँ वो काफ़ी कुछ क्या था? वो काफ़ी कुछ ये था कि मेरे मतलब तीन भाई हैं मेरे और मैं एक ही बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ. तो मैं हमेशा से शुरू से एक साइड पे थी कि भाई तो लगे हुए अपना कर रहे हैं, माँ बाप अपना लगे हुए. तो मैंने हमेशा से अपने आप को संभालना सीखा है उस तरह से कि इसीलिए आई एम एन इंट्रोवर्ट. मैं अकेली बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपने कमरे में बहुत खुश रहती हूँ. तो आई थिंक इन्हीं सब चीज़ों ने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता. वेरी गुड. ओके जी, आप बैठ सकती हैं. थैंक यू. कि अब हमने बात करनी है आज सेफ गार्ड की, बल्कि न्यू सेफ गार्ड की. बच्चों के स्कूल शुरू हुए और एक एंग्जाइटी जो माओं को हमेशा रहती है वो ये कि घर में तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हाथ भी धुलाएँ, उनकी सेहत का ख्याल भी रखें, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो इतना एक्सपोज्ड होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ. वो लंच करते हुए हाथ धो रहे हैं कि नहीं, उनके साथ जो बच्चे हैं वो बीमार हैं, वहाँ से जर्म्स उनको लग रहे हैं, वो ब्रेक टाइम पे खेल रहे हैं, मिट्टी वगैरह हाथों को लगी, वहाँ से जर्म्स उनको लग रहे हैं, और तो और स्कूल की कॉपीज़, बैग्स, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जहाँ पर बच्चे हाथ लगाते हैं वो हर जगह पर ऐसे जर्म्स मौजूद होते हैं. तो फिर ये है अब उसका सोल्यूशन, माँ तो हर वक्त साथ नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन जो है वो ये है न्यू सेफ गार्ड, जिससे अगर हम बच्चों के हाथ धुलाएं और उनको साफ सुथरा रखें तो लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से अब बच्चे स्कूल में जो टाइम गुजारेंगे उसमें भी वो जर्म्स फ्री रह सकते हैं, जिससे उनकी सेहत मेंटेन रहेगी. सो अगर आप भी कॉन्शियस हैं इस मामले में और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जब स्कूल से वापस आए तो अगले दिन ये ना हो कि उसका गला ख़राब हो रहा हो, उसका पेट ख़राब हो रहा हो, उसे स्कूल से छुट्टी करनी पड़े क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसे जर्म्स है उसने लगा लिए हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है, तो फिर प्रोटेक्शन के लिए ये एक न्यू सेफ गार्ड की ऑप्शन जो कि आपके पास है. न्यू सेफ गार्ड इस्तेमाल करने से बच्चों का ज़्यादा अरसे तक जर्म से प्रोटेक्शन का सिलसिला जो है वो मेनटेन किया जा सकता है. मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. शामदीत और हम सोनिया को लेकर आए हैं. सोनिया मिशाल लाजवाली मेहमान नाश्ता बनाएंगी अपने लिए खुद. सेल्फ सर्विस बहुत मुश्किल काम है और लगता आसान है, करती हैं वैसे आप? कभी कभी. किसी के लिए बनाया है या अपने लिए बनाया है? अम्मा को कराया है. हाँ. नाश्ता बना के. हाँ. लेकिन वो मतलब ये होता है कि खा लेते हैं लोग, मतलब कुछ बोलते नहीं है, खाते में ओह माय गॉड कैसे दे दिया मैंने. लेकिन What I like to do is के non-stick pans हम use करते हैं आजकल सब अपने घरों में, तो उसके अंदर ये होता है कि अब ज़्यादा oil या घी use नहीं होता, which is good. ठीक है. आप diet conscious हैं? Not really. इतना नहीं, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती. ठीक. सो हम थोड़ा सा मक्खन डालने लगे हैं. हम बना रहे हैं जी स्क्रैम्बल्ड एग्स, थोड़ा सा देसी स्टाइल में. ठीक है. सो यू आर अ देसी पर्सन व्हेन इट कम्स टू खाना पीना? आई थिंक आई एम अ फूडी पर्सन इन जनरल. मुझे हर किस्म के फूडी. या ओह रियली? यस. यू डोंट लुक लाइक अ फूडी एट ऑल. आई एम. अच्छा, कहाँ से? कैसे मेंटेन करती हैं फिर आप अपने आप को अगर खाना खाती हैं? मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बस अपनी कैलोरीज थोड़ी सी देखती हूँ एंड दैट्स इट. मीठा तो खैर मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती, लाइक इफ एनीवन आस्क मी टू. सो हमारा ये नॉन स्टिक पे हमने थोड़ा सा मक्खन डाला और ये प्लेट में नहीं निकालेंगे हम अंडा.
फिर हम डायरेक्ट मक्खन के ऊपर इसको कर देंगे. मेरे नाना अबू एक्चुअली पानी के अंदर अंडा फ्राई किया करते थे. पानी में अंडा फ्राई करना? जी. ये तो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है. वो नॉन स्टिक होते होंगे उस जमाने में कुछ, तो वो पानी के अंदर करके तो मेरी मामा को खाला को नाश्ता कराते थे. नाना अबू क्यों कराते थे? नानी अम्मा क्यों नहीं? छोटे जब थे. अच्छा. हाँ. बहुत सारे अब्बा ये काम करते. मेरे अब्बा ने भी बहुत इस तरह से ना हम लोगों को वो किया हुआ है. हाँ. और जब आप बड़े हो जाते हैं ना फिर आपको इस तरह की चीजें बहुत याद आती हैं. जैसे मुझे कपड़े पहनने का और जूते पहनने का शुरू से ही बड़ा शौक होता था. तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे अब्बा बहुत हमारी इन चीज़ों का ख्याल करते थे. यूनिफॉर्म आपके प्रेस्ड हो, आपके जूते पॉलिश्ड हो. एग्जैक्टली. वो कहा करते थे जूते में शक्ल नजर आनी चाहिए. तो हम लोग रात को ड्यूटी होती थी हम सारे. आजकल मैं अक्सर वो ट्विटर पर पढ़ती हूँ बूट पॉलिश है तो मैं हंसती हूँ. ठीक है. हम लोगों ने आपने किए हैं? बिल्कुल. स्कूल शूज अपने पॉलिश किए हैं? बिल्कुल. ठीक. लेकिन आजकल बच्चे नहीं करते. नहीं करते. एंड पे नहीं डालती मैं बिकॉज आई थिंक ऊपर थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है तो थोड़ा वियर्ड लगता है. बिल्कुल सही. अच्छा कितनी हाइजीन कॉन्शियस है? सफाई का कितना वो होता है कि बहुत 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 इतना कि बस मतलब पागल ही हो जाओ ना, है ना. मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है. मेरे तो घर में हर जगह पे मुझे ना मैंने वो सेफगार्ड के छोटे छोटे वो रखे हुए हैं उनके हैंड वॉश. एग्जैक्टली. और जाकर और कई दफ़ा मैं अपनी मेड अक्सर देखती हूँ आप शायद उनका दिमाग ख़राब है ना. और वो होता भी है एक ऐसा सिंड्रोम भी होता है जिसमें आपको कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको ओसीडीज होती हैं आपको डिफरेंट किस्म की. आपको लगता है कि ये बार बार ये काम भी अभी ठीक नहीं हुआ इसको और ठीक करना है ये नहीं हुआ ना. ऐसे ही है हमारे घर में ये चीज़ हमें अम्मा से ट्रांसफर. लेकिन हाइजीन के लिए आप हाथ धोना. हाथ धोना बिल्कुल. इवन मेकअप से पहले आप अपने हाथ धोएं आप अपना चेहरा धोएं उठ के सबसे पहले बिकॉज आपके चेहरे पे बहुत डस्ट होती है हाथों पे बहुत डस्ट होती है. हाँ. तो आई थिंक मेकअप से पहले वो बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. आई थिंक दैट वाज इट. सिंपल. आपका स्क्रैम्बल्ड देसी अंडा तैयार. तैयार तैयार है. बिल्कुल. वेरी गुड यार. इतना इजी अंडा ये. हाँ. बेसिकली मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि मैं ये क्रीम में बनाती हूँ. मैं इसको क्रीम अभी अवेलेबल थी नहीं लेकिन नॉन स्टिक के अंदर मैं आम दूध की बलाई जो होती है जी व्हिप्ड क्रीम जो होती है वो ऑलमोस्ट उसका आधा पैक डाल के उसके अंदर बनाती हूँ सब कुछ. अंडा वो प्रॉपर फ्लफी आपके स्क्रैम्बल्ड एग्स बनते हैं उसके अंदर. आप सॉसेजेस भी डाल सकते हैं और ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. और इसको फिर आप चम्मच से खा सकते हैं. चम्मच से खाएं ब्रेड के साथ खाएं पराठे के साथ. हाउ गुड यू आर एट पराठा. लेट्स सी. लेट्स सी. पराठे के लिए दें यार हमें. ओके. ठीक है. ज़ेवर रात साइड पे करें और उसके बाद आई डोंट नो हाउ टू डू दिस बट आई एम जस्ट गोना ट्राई. मामा को करते हुए देखा है. मामा को करते हुए देखा है. अच्छा. वो जिस तरह वो बनाती हैं. आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने ये पेड़े बना के रखे हैं. मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा. ठीक है. सो पेड़ा आप कौन सा वाला बल वाला पराठा बना रही हैं अभी? ये आई थिंक वो बना हुआ नहीं है ऑलरेडी. हाँ. अच्छा. अच्छा इसे जल्दी से हामी भरनी है. हाँ हाँ पराठा में बना लूँगी. पेड़ा बना हुआ है. पेड़ा बना हुआ है. अब रोटी को गोल करना एक आर्ट है. तो हम बस इतना ही आर्ट देखेंगे आपका कि आप रोटी को कितना अच्छा गोल. ठीक है. ठीक है. अच्छा वैसे हाइजीन के साथ साथ और किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होती है व्हेन इट कम्स टू फूड? मतलब एक तो ये कंसर्न होता है हमें कि हाथ धो के अच्छी तरह से खाना आपने बनाया है. आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फूड या व्हेन क्रॉकरी साफ होनी चाहिए आपके जो यूटेंसिल्स हैं आपके किचन एरिया आपका स्पेशली बहुत साफ होना चाहिए. ठीक है. आप अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप उसकी भी अगर आपने कोई रखा हुआ है कुक. ठीक है. तो आप उसको एजुकेट करें उस पर कि उसने किस तरह से सफाई. ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप ज़्यादा एजुकेट करते हैं वो भाग जाते हैं. एग्जैक्टली. भाग जाते हैं. लेकिन जैसे हैं उसी के साथ गुजारा है. इसके साथ भी गुजारा करें. इसे थोड़ा सा तो बड़ा करें ना. करो और मुझे डर लग रहा है कि टूट जाएगा. थोड़ा सा और गोल करें ना. हमने बस गोल ही करवाना है. दुनिया गोल है यू नो. दुनिया गोल है. हाँ दुनिया गोल है. सो आई थिंक मैं अम्मा से क्या फरमाइशें चलती हैं ज़्यादा? मामा इज़ एन अमेजिंग कुक
और वो सब आई थिंक हमारे अंदर भी वो एक टेस्ट बिल्डअप हो गया हुआ कि मामा ही बनाएंगी तो हम खाएंगे. ठीक है. मामा से फरमाइश होती है हलीम की, बिरयानी की. और क्या बात है, अगर आपसे फरमाइश की तो मेरा ख्याल है मैं एक्चुअली बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूं. वाकई मुझे पता होता है तो मैं बिरयानी बनाती हूं. मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूं, मगर हमें यहां पे अंदाजा हो गया है कि रोटी, रोटी अच्छी नहीं बनाती. रोटी गोल नहीं होगी. अमेजिंग, गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स. तो हम अंडों पे गुजारा करते हैं. थैंक यू. ठीक है, सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. तो एक नई सुबह में आज हम मिले सोनिया मिशाल से. सोनिया हमारे साथ हैं. सोनिया आपने अपना लेटर शेयर किया सामने जी, के साथ. मैंने बिल्कुल कर लिया. कर लिया. अस्सलामुअलैकुम सामिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक माशाल्लाह. आज हमने लोगों को बताना है, इतने लोगों ने उनका डाटा हमारे पास जमा हो गया हुआ है जी जी, जो फैन पेज पे हमें भेजते हैं और वो मुझे लगता है बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं कि सामिया हमें लिफ्ट नहीं करा. मैं आप ऐसा सोच सकती हैं, लेकिन माशाल्लाह इतने पैक्ड शो आपके जा रहे होते हैं कि कई बार हम चाह के भी जवाब नहीं दे पा रहे होते. लेकिन आज तो आप बहुत डिटरमिंड है कि आपने उनको जवाब नहीं देना. पहले सोनिया के बारे में हमें बताएं, सोनिया की शादी कब तक हो रही है? अच्छा, सोनिया के लिए मेरा मशवरा है कि ये जितना मतलब लेट इतना नहीं मैं कह रही. अभी आप सारे स्कॉर्पियंस को क्यों कहते? नहीं नहीं, इनको इसलिए कह रही हूँ, इनको नहीं करनी चाहिए थोड़ा सा जो इश्यू नजर. जितना ये क्लोज 30 करेंगी ना, मतलब 25 और 30 के बीच में, उतना इनके लिए बेहतर है. उतना क्योंकि करियर हाउस अच्छा है फरा. सिर्फ मैं एक बात इनको डरा रही हूँ, उनको नज़र भी हिट होती है और जो है वो अपने आप को उससे रेस्क्यू किया करें और अपनी हेल्थ के लिए ख़ास तौर पे लापरवाही नहीं कर सकती अपने हेल्थ हाउस से जो है. लेकिन माशाल्लाह करियर हाउस बहुत अच्छा है, बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन है. उस इतना स्कॉलर किस्म की खातून में लाइक यू कि आप दोनों को अगर नया पाकिस्तान बनाने का मौका मिलता तो शायद बन चुका होता. कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू. ठीक है, दोनों में ये वो पाई जाती है कि इतने डीप थिंकर हो कि जो है ना वो आई थिंक ऐसे ही लोग नया पाकिस्तान बना सकते हैं. थैंक यू. आपने क्या अच्छा आज कानों का इसको क्या कहते हैं जो सेट आपने पहना है, आपने ऑब्जर्व किया? आई नो, मैं वही देख रही थी. मजे ये बड़ा पुराना चांदी का वो एक वो और ये आर्टिफिशियल. अच्छा, ये थोड़ी कलेक्शन है कि चांदी में था, बड़ा पुराना है. इस्लामाबाद से ऐसी चीज़ें मिला करती थी तो इकट्ठी किया करती थी. अच्छा, वेरी गुड. तो आप बड़ी पुरानी कलेक्टर हैं इसका मतलब? अल्लाह की कसम, बहुत पुरानी. बस मेरे कपड़े आप लोगों की उम्र से भी ज़्यादा होंगे. अच्छा, वाकई ग्रेट. तो मेरा ख्याल है एक दिन हमें सामिया के घर जाके शो करना चाहिए. हम आपको दिखाएं सामिया की जूतों की कलेक्शन. एक दिन कपड़ों की मैंने किसी ने पूछा है बड़ा अच्छा है, मैं कि ये आपकी उम्र से भी ज्यादा का जोड़ा है. वाओ, अच्छा ब्यूटीफुल. चले जी, अगर हमारे सारे देखने वाले स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले बारी आई है उज्मा इरशाद की भावलपुर से. इनका सवाल, शादी कब होगी? ये इनकी वो है 21 अगस्त 1995. शादी कब होगी, कैसी रहेगी? ये अल्लाह का शुक्र है कि अब उस क्लोज टाइम में आ गई है उस्मा आप, कि अब शादी ज़रूर कर लीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जीवन साथी मिलेगा. लेकिन थोड़ा सा ज़रा वो होगा औखे मिजाज का, लेकिन आप टैकल कर लेंगी उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके अंदर पाया जाता है कि यू आर वेरी होम लविंग और बहुत लॉयल और बहुत डेडिकेटेड रहेंगी अपने घर के लिए. और जो है इंशाल्लाह अब नवंबर से ऑनवर्ड किसी भी वक्त अल्लाह ताला आपका दरवाज़ा खोलने लगे हैं किस्मत का, और ये होने को है इंशाल्लाह. बिल्कुल सही. आयशा, आयशा पूछ रही हैं शादी कब है और मुस्तकबिल. अच्छा, ये है 27 जून. नाम नहीं, हाँ, आपने ईयर नहीं बोला जी. 27/6, ठीक है ना? 27 जून. हाँ जी, शादी कब होगी और मुस्तकबिल ब्राइट? आपको पता है समय शादी की डेट के ऊपर कितना मसला? माशाल्लाह बहुत अच्छा मैरिज हाउस है और अब तक तो कोई ना कोई कहते ना कुन का लम्हा अल्लाह की ज़ात को पता है. लेकिन टाइम फ्रेम इस वक्त 100% सितारों की सपोर्ट आपके साथ है और इतना प्यारा जीवन साथी इनको अल्लाह ने देना है कि लोग भी इन पर रश करेंगे कि इतना मतलब मोहब्बत करने वाला और जो है वो एक अच्छा जीवन साथी के. अच्छा, वेरी गुड. ये इंटेलिजेंट भी बहुत है आयशा. चले, और ये माशाल्लाह राज भी करेंगी, डोमिनेट भी करेंगी. वेरी गुड. तो इस साल शादी हो जाएगी? टाइम शुरू है 11 अगस्त से, टाइम पक्का शुरू हुआ है. ज़रबा लाहौर से ये कह रही है शादी की बात चलती है फिर रुक जाती है. 12/7 शादी की बात चलती है फिर रुक जाती है.
और बिजनेस कब बेहतर होगा? शादी की बात चलती है और रुक जाती है तो अच्छा ही था रुक जाती थी, वरना अब तक कोई स्टोरी ब्रेक कर जाती आपकी, तो अच्छा ही था कि अगर वो रुक जाती थी। लेकिन जो है अब आप कोशिश करें और ऐसे कोई रिश्ते जो मुल्क से बाहर से भी हों आप उन्हें भी कंसिडर कीजिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा जो मुल्क से बाहर हो वो भी आपके लिए आसानी बन जाएगा। और जो है कारोबार का आपने पूछा है, कारोबार के लिए अगला वाला साल नवंबर भी बेहतर होगा लेकिन अगला वाला साल ज़्यादा बेहतर होगा, अक्टूबर में बहुत केयरफुल रहिएगा अगर आप इस वक्त बिजनेस में हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, फैसलाबाद से मुबशरा और वो अपनी तालीम के बारे में जानना चाहती हैं। 15 सितंबर, हाँ जी ठीक हो गया। अपनी तालीम के बारे में जानना चाहती हैं, जॉब के बारे में जानना चाहती हैं, शादी के बारे में नहीं जानना चाहती? अच्छा मुबशरा, बहुत अच्छा जॉब हाउस है आपका और जो है 2020 आपके करियर के नए रास्ते खोलेगा। आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही अपना करियर रखना है, ऑल्दो कि आपके लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके बावजूद क्योंकि करियर इतना अच्छा है कि मैं कहूँगी कि अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस अपना करियर रखिएगा क्योंकि इतना अच्छा इनका करियर हाउस है। और माशाल्लाह शादी के मामले में भी देखिए ये होती है नसीब, हर तरह से नसीब ने अच्छा करना है, सिर्फ ये कि सेविंग्स में थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और किसी के ऊपर पैसों के मामले में ट्रस्ट करते हुए ज़रा 10 बारी सोच लीजिएगा। जी अगले हैं ज़ुबैर, ज़ुबैर लाहौर से, ये मुस्तकबिल और जॉब का बता दें। अच्छा ज़ुबैर है जी, 27 जुलाई, जी ठीक हो गया ना। अच्छा ज़ुबैर का सवाल है, ज़ुबैर आप जानना चाहते हैं मुस्तकबिल जी और जॉब? जॉब, अच्छा जॉब हाउस अल्लाह ने चाहा तो मायूस नहीं करेगा आपको अगले साल के मार्च ऑनवर्ड्स, टिल देन अगर थोड़ा सा बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कीजिए क्योंकि अगला साल मार्च के बाद से वह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना कि ना वक्त से पहले मिलना है ना किस्मत से ज़्यादा मिलना है, तो इस वक्त तकदीर से लड़ाई मत कीजिएगा ताकि फिर वो अगले साल में जब आसानी है आप तो 17 और 18 से भी कुछ प्रॉब्लम्स को पहले ही सफ़र कर रहे हो और अगले साल में करियर ज़्यादा है। एक और चीज़ कहूँ कि अगर शादी का चांस मिलता है कर लीजिए, हो सकता है कि अगले बंदे की गुड लक से भी मसले आसान हो जाए। अच्छा ये होता है? ये भी होता है। अच्छा बास लोगों को फिर मशवरा हम देते हैं ऐसे हालात में कि जितनी जल्दी अच्छा जीवन साथी मिल सकता है तो आप पता चले जिससे शादी की जाए उसके भी कुर्की के हालात हैं तो नहीं इनको तो जीवन साथी की सपोर्ट से भी, जैसे इनको मैं कहूँगी कि कोई भी काम अगर ऑप्शन मिले तो पार्टनरशिप से आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक, तो इनको शादी की लत, बाज़ लोगों को मैं बिजनेस में कहती हूँ कि चाहे स्लीपिंग पार्टनर ले लें लेकिन पार्टनरशिप में काम करें आप। ठीक है ठीक है। और इनके साथ ये कि इनको शादी और पार्टनरशिप दोनों रास है, तो शादी रास है तो आप कोई भी कोई अगर रास्ता खुलता है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सही। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ और ऐसे लोग जिन्होंने अपना डाटा हमसे शेयर किया हुआ है उनके बारे में बात करें। शामदीद, अभी तक मैं चेक कर रही हूँ कि कोई जो लेटेस्ट भी हमें भेज रहे हैं उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए। अभी प्रोग्राम देखते हुए सहर बानो ने भेजा है हमें डेट ऑफ बर्थ अपनी, 25 मार्च। हाँ जी, अच्छा मार्च है ओके, नहीं 25 मार्च, हाँ मई डाला मैंने, ठीक है। अच्छा इनकी शादी के बारे में जानना चाह रही हूँ। शहर बानो मेरा आपको मशवरा है कि इतनी जल्दी मत कीजिए बेटा इस फैसले में, नवंबर 2020 से वो घड़ी शुरू होगी जहाँ पे आपके लिए अच्छी साथी शुरू होंगी। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा करो शहरबानो, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों के मामले में ब्लेस्ड हो, बच्चों के मामले में कल को ब्लेसिंग मिलेगी, बी पॉजिटिव लेकिन नवंबर 2020 तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो ताकि अपने आप को मसरूफ़ रखो, ये वाला वक्त गुजर जाए। जाने दीजिए, अभी यहाँ पे सूरत हाल मुझे नहीं आ रही, को गलत फैसला ना किस्मत करा दे। अच्छा मार्च के बाद भी रास्ता खुल जाएगा अगले साल, लेकिन जो है उससे पहले तो आप किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करें। जी फरा जी ठीक है। अच्छा ये 2 नवंबर, ये मैं एक नई डेट आपको दे रही हूँ अभी। अच्छा, निकाल के ठीक है, इट्स अ न्यू डेट। ठीक है 2 नवंबर 2002 कराची से इन्होंने हमें पूछा है। नवंबर उज़्मा अली, ठीक है आपको पता है मैं आपका नाम जो आपका फेसबुक नेम है वो ले रही हूँ, उज़्मा अली। 2 नवंबर 2002 कराची से, टाइम ऑफ बर्थ है 12:30 PM। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा PM, ठीक है। ये जानना चाहती हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, स्टडी के बारे में, करियर, जॉब, मैरिज।
माशाल्लाह मुझे तो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी लड़की नजर आ रही है, बड़ी अट्रैक्टिव सी लड़की जो है, कहीं ना कहीं कुछ डिम्पल भी इसके होगा, हाथ पांव भी अच्छे होंगे। ये बताएं कि सवाल क्या था इनका? सब चीजें, तालीम, जॉब, सेहत, शादी। अच्छा, पैसा बहुत कमाएंगी, करियर हाउस अल्लाह के फजल से अच्छा है, और जो सबसे अच्छी चीज है कि आप पॉजिटिव हैं, आप अपने कल के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, यही चीज आपको बड़ी शान से सरवाइव कराएगी इंशाल्लाह। और करियर हाउस भी अच्छा है, पैसे वाला साइन भी अच्छा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिर्फ जरा मोहब्बत में किसी के ऊपर सोच समझ के यकीन कीजिएगा, जब तक के तो थोड़ा सा आंखें बंद, अंधी मोहब्बत से जरा बाज आना है। हाँ जी, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं सोनिया? अंधी मोहब्बत को? मतलब आपने अंधी मोहब्बत नहीं करनी, अंधाधुंध मोहब्बत नहीं करनी, इसको पंजाबी में क्या कहेंगे? अच्छा। आपने नहीं सामिया बोला सुनिए, क्या कहेंगे इसको पंजाबी में? आपने अंधाधुंध मोहब्बत नहीं करनी। ये इंग्लिश में बता देगी, नहीं पंजाबी में बताना है। सुनिए थोड़े से तो हिंदी। हाँ। भाई आपने अंधाधुंध मोहब्बत नहीं करनी, ये उर्दू में है ना। अब आपने ठेठ खालिस पंजाबी में किसी को समझाना है। तुसी मोहब्बत नहीं करनी। आए है, है। ये इस जुमले को सुन के तो बंदा वैसे ही कहे चलो जी होनी होने कर नहीं होता है। अन्य वहां मोहब्बत नहीं करनी। अन्य वहां मोहब्बत नहीं करनी। अच्छा जी, अब ये मैं आपको ना सारी डेट्स अभी निकाल के सामिया जी बता रही हूँ, ठीक है जी? जी। सो ये है उस्मान जाना मलिक, आपका सवाल है। उस्मान डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1997। भाई के लिए उन्होंने पूछा है, उस्मान नाम है जिनका। अच्छा, जिन भाई का नाम उस्मान है जी, और लाहौर में है। शादी, जॉब, बिजनेस, सब चीजों का बताएं। अच्छा, बिजनेस हाउस उस्मान का बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस्मान सिर्फ इनको कहिएगा कि कोई भी फाइनेंशियल डील करते वक्त हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कि मतलब उनके पास सबूत होना चाहिए, वरना फाइनेंशियल लॉसेस की इंडिकेशन सिर्फ होती है, लेकिन बिजनेस हाउस की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। सिर्फ फाइनेंशियल डील करते वक्त जरा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा कनिंग भी बनना पड़ेगा, माजरत के साथ, क्योंकि वहां पे इनके साथ धोखे होने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज इतनी अच्छी है कि जो रब से मांगेंगे इनको अल्लाह पाक नवाजेंगे, तो और क्या चाहिए। लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, हो भी सकता है गवर्नमेंट के साथ काम करने की भी, जिन लोगों को ठेके वेके मिल जाते हैं, ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज। बड़े लकी लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं, हमें तो आज तक कोई ठेका नहीं मिला। विशाल, आर यू बिजनेस माइंडेड पर्सन, कभी सोचा है? जैसे एक्टर्स अपने बुटीक्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च करते हैं। आई एम, यू आर, ठीक है। आई एम इनटू आर्ट्स, सो मेरा है कि मैं पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस और उस लाइन में जाऊँ। उस लाइन में जाऊँ, बड़ी संजीदा। करियर हाउस को बहुत अच्छा। अच्छा, बिल्कुल जरूर जाए। अच्छा, कायनात का भी सवाल है। 2/3/2002 2/3/2002 ये आया अभी, ठीक है। ठीक, शादी के बारे में जानना चाह रही। अच्छा जी, ये शादी के बारे में जानना चाहती। कायनात इस वक्त जिंदगी रेडी है इंशाल्लाह, और जो है किसी वक्त भी आपका पूरा वो जो है ऊपर से कुन फयकून हो जाएगी, और अल्लाह पाक को रास्ता बना रहे हैं। लव स्टार्स भी अच्छे हैं, कल को आने वाले इन लॉज भी इंशाल्लाह आपके अच्छे बनेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह औलाद के मामले में भी सितारा ठीक है। अगर कोई दवा और दुआ कराना पड़े कल को तो वो ज़रूर करा लीजिएगा जी। फरा, ठीक है। अलीशा है, और यानी डेजलिंग माही, डेजलिंग माही। अच्छा, फेसबुक पे नाम क्या क्या नया डाल? हाँ, अच्छा जी, नया है। डेजलिंग माही, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। 19 सितंबर 1994 ठीक है, और इस फ्यूचर के बारे में, स्टडी के बारे में, शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह, आपके पास तो सेकंड पासपोर्ट की भी इंडिकेशन होती है। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल मुल्क से बाहर अल्लाह ने लिखा है, या तो शादी के बाद चली जाएंगी या रिश्ता ही वहाँ से आएगा। अच्छी मैरिज है अल्लाह के फजल से, 1, 2, 3 होगा बड़ा अड़ियल किस्म का, लेकिन निभ जाएगी अल्लाह के फजल से। जो है ये जहन में रख के जाइएगा कि ये ज़रा आप, क्योंकि बड़ी शायराना मोहब्बत करने वाले बच्ची नज़र आते हो मुझे। पैसों के मामले में भी लत बहुत अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉलिड चीज़ है कि आपकी किस्मत से आपके मियाँ को बहुत तरक्कियाँ मिलेंगी, और जो है फ्यूचर मुल्क से बाहर नज़र आता है।
बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे नहीं पता ये दो दो जुबैर हैं, जुबैर हसन, हम आपको जवाब दे रहे हैं 27 जुलाई 1999। ये अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें जॉब, करियर, शादी सब कुछ। अच्छा सब कुछ जी। इस वक्त तो आप अल्लाह ना करे किसी अगर ब्रेकअप से नहीं गुजरे तो बचत हो गई है, वरना ये वाला साल अच्छा साल नहीं था आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगला साल इसका कॉम्पनसेशन होगा। शादी के मामले में जो है ज़रा इमोशनल किस्म की औरत टकराएगी और मोहब्बत में धोखे से बचिएगा, तो बेहतर है कि फैसला घर वालों पे छोड़ दें। ये भी इमोशनल औरत है, मैं भी इमोशनल औरत हूँ, और आपसे ज़्यादा इमोशनल औरत और कौन हो सकती है। इमोशनल औरत तो ब्लेसिंग नहीं, वो उसके साथ बेचारे से कोई हैंड ना ना हो जाए, तो मैं कह रही हूँ धोखे से बचिएगा, फैसला घर वालों पे छोड़ दीजिएगा। करियर हाउस अच्छा है, दोस्तियाँ भी आपकी अच्छी बन जाती हैं, भी पॉजिटिव जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जिंदगी को मुकाबला कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर हो, लेकिन आपका आपके लिए जो रिवॉर्ड है वो इंशाल्लाह अगला साल आ रहा है। पिछले 3 साल आपको भी लगा होगा कि ज़रा ज़्यादा सख्ती हो गई है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये 2020 आपको बता देगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी हिरा मिर्ज़ा, ये अपना हिरा मिर्ज़ा, मैं फेसबुक नेम्स ले रही हूँ, आप लोग के ओरिजिनल नाम नहीं ले रही। 25 मई 1995 वक्त पैदाइश ने लिखा है, सुबह शहर और रावलपिंडी से हैं। ये भी अपने फ्यूचर के बारे में और जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। वैसे आप सोनिया सवाल करती हैं तो किस चीज़ के बारे में करती हैं, जॉब के बारे में, सेहत के बारे में, शादी के बारे में? आई थिंक मैं ओवरऑल फ्यूचर के बारे में करती, जिसमें ये सारी चीज़ें, जिसमें ये सब चीज़ें होती। अच्छा इनका नाम क्या है जो भी आपने मुझे दी? हिरा। बड़ी खुश नसीब बच्ची है माशाल्लाह, और इस वक्त उस टाइम फ्रेम में एंटर हो गई है जहाँ से किस्मत टेक ऑफ करेगी, और वो किस्मत कैसे नवाजेगी ये रब को पता है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, और इस वक्त तो ख़ास तौर पे अपने लिए बहुत दुआएं करो, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनेंगे भी। आप किस्मत वाली हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने आपको एक अच्छे नसीब के साथ पैदा किया है। बिल्कुल सही। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, माओं को जो भी बच्चा कंसीव कर रही होती हैं, नसीब ज़रूर अल्लाह ताला से बच्चे का अच्छा मांगे, आप सेहत भी मांग रहे होते हैं, शक्ल भी माएँ बड़ी कीन होती है, बच्चा खूब सोना होवे, गोरा होवे, साथ नसीब ज़रूर मांगा करें बच्चे का। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। हाँ, रूही कमल फेसबुक नेम असल नहीं बता रही, 23 अक्टूबर 1990 सुबह सुबह की पैदाइश है, हो गया जी, और कराची से हैं। शादी और पैसा, शादी के लिए आपका टाइम भी यहाँ पे कोई सितारे की अब रिकावट नहीं है, और एक बड़ा ज़रा तुंद मिजाज वाला इंसान नज़र आ रहा है, ज़रा तेज़ तेज़ चलने वाला, किस्मत की आप भी अच्छी हैं, मुस्तकबिल आपको भी बाहर सेटल करा देगा, एक और पासपोर्ट आपके पास भी आएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये सारा कुछ अगर उस कुंजन बंदे के साथ आना तो ठीक है चलेगा। ये थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, लेकिन अल्लाह के फजल से अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि आपका नसीब अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। आप भी ख्वाहिश किया करें और उसकी कोशिश किया करें, ना मिले ये हो नहीं सकता, इतना प्यारा नसीब है यहाँ पे। वेरी गुड। एक आखिरी जल्दी से आपने बताना है ताकि फिर हम वाइंड अप करें। जी जी। किरण शहजादी, ठीक है, 15/8/1994 ये कितनी तबीयत खराब रहती, 4/2/1994 ठीक हो गया 94। अच्छा इनकी ये, अच्छा बेचारों का, इनको तो जवाब तबीयत खराब रहती है। नहीं कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जिस वक्त में आप एंटर हो गई हैं, आप अपने लिए खुद दुआ किया करें, और अल्लाह के फजल से यहाँ कोई ख़तरा किसी चीज़ का भी नहीं है कि हम आपको डराएं। जो है नज़र और जादू, जो भी ब्लैक चीज़ें होती हैं ना, ब्लैक फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस, इनसे ज़रूर पनाह मांगा करें। कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है, और अगर फिर भी आपको लगे तो पीले रंग का पुखराज पहन लीजिएगा, इसमें सेहत के लिए बड़ी शिफा है। कौन सा है पीले रंग का पुखराज? ये वाला क्या क्यूट इशारा ना, पीले रंग का पुखराज। सॉरी यार, अपने घर में पीले रंग का पुखराज, गोल्डन टोपाज भी कहते हैं, 3 कैरेट से ज़्यादा वजन हो, सीधे हाथ में या लॉकेट की तरह पहन लीजिएगा, और परिंदों को खाना भी खिलाया करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे कोई ख़तरे की बात नहीं। बिल्कुल सही। ठीक, थैंक यू सामिया।
और सोनिया आप भी बिलीव करती हैं इवल आई जादू? बिल्कुल आई डू, एक्सपीरियंस भी हुआ है कभी ऐसे प्रैक्टिकली आपको फील हो यार ये वाकई ये तो होता है? हुआ है. And I think आपको ब्लू सैफायर पहन लेना चाहिए. Really? यहाँ पे जो देखा है ना. अच्छा. उससे क्या होगा? वो रेस्क्यू करेगा हर इवल आई. सब स्कॉर्पियंस के लिए या इनके लिए खास? नहीं, इनका मूड इक्वेरियन है. मैं ना स्टोन नहीं दे सकती. जैसे मैं लियो हूँ, मुझे रूबी पहनना चाहिए. मैंने अपना इलाज एमरल्ड से किया है क्योंकि ये इसको देख के, जैसे डॉक्टर देख के बताएगा ना दवाई कौन सी चाहिए, ये इसको देख के बताना पड़ेगा. इसीलिए मुझे कभी समझ नहीं आई कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए. मुझे लगता है आपको देख के कि आप रिंग्स विंग्स जरा शौक से पहनती हैं. जी, आई लव रिंग्स. यू लव रिंग्स? या बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू हैव यू. थैंक यू फॉर हैविंग. और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जीटी रोड आप ए प्लस की स्क्रीन पे देखेंगे, सोनिया मिशाल उसमें होंगी और डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेंगी अपनी एक्टिंग के साथ. आज आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा बिकॉज यू आर वन स्ट्रांग वुमन. थैंक यू. आप अपफ्रंट हैं, क्लियर हेडेड हैं और जो है जैसे है और ऐसे ही है. आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल एंड गुड टू नो. ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर्स. ये सबसे पहले आपसे कहा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बहुत शुक्रिया सामिया. और आप अपने नाराज ना हुआ करें, अक्सर लोग लिख देते हैं कि आप जवाब नहीं देते. देखिए आज मैंने खुद आपके नाम खोल खोल के सबको जवाब दिए. अगर आप भी चाहते हैं कि सामिया आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको गाइड करें एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप उसके लिए हमें अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और सवाल लिख के भेज दीजिए इस आस और उम्मीद और यकीन के साथ के शामिल किया जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे को. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.